प्रतापगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरों की ओर रुख करेंगे। बता दें प्रतापगढ़ के अरनोद से अब तक की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अपराधियों के हौसले हो चुके हैं बुलंद। दिन दहाड़े की जा रही है फायरिंग, जिसमें अरनोद क्षेत्र में युवक को गोली मारकर किया गंभीर रूप से घायल। अरनोद क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अरनोद निवासी दीपक प्रजापत घर के बाहर दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था कि अचानक दो युवक बाइक पर आए और दीपक प्रजापत पर फायर कर दिया, जिससे दीपक के दोनों पैरों में गोली लगी, वह घायल हो गया। उसके पैरों से खून बहने लगा। जब कुछ समझ पाते इससे पहले ही दोनों बाइक से सवार फरार हो गए। उसके दोस्तों ने दीपक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जाया, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद 108 की सहायता से प्रतापगढ़ रेफर कर दिया गया। मौके पर डिप्टी ऋषिकेश मीणा, सिटी थाना अधिकारी गोपाल सिंह मीणा में जाप्ता मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया और घटनास्थल पर जानकारी में जुट गए। कुछ समय पहले अरनोद कस्बे के अंदर एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने की सूचना मिली थी, जिसमें पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंच गई। हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, पैर में छर्रे लगे थे, ऑपरेट कर दिया गया है, खतरे से बाहर है, जान में कोई खतरा नहीं है। इनपुट हमारे को मिले हैं कुछ लोग कौन ये कर सकते थे, हमारी टीमें उन तक लगी हुई हैं, जल्द से जल्द उनको राउंड अप कर लिया जाएगा। आश्वस्त करते हैं कि जिसने भी ये घिनौना कार्य किया है उसको जल्द से जल्द हम पकड़ेंगे, कानून व्यवस्था बनाए रखें, धैर्य रखें। एक पखवाड़े में दूसरी वारदात है, पहली वारदात जो चेन्याखेड़ी में हुई थी उसके आरोपी पकड़े जा चुके हैं या फरार चल रहे हैं? चेन्याखेड़ी वाले मामले में चार जो आरोपी हैं वो अरेस्ट कर लिए गए थे 24 घंटे के अंदर। मुख्य आरोपी है वो रूपोश है, चार पांच जगह पे हमारी टीम ने आज भी दबिश दी है, जल्द ही उसको पकड़ा जाएगा। चार आदमी उसमें हमने गिरफ्तार कर लिए थे। इनके पास जो ये वेपन्स आते हैं इनके विषय में कभी कोई कार्रवाई कर रही है पुलिस? बिल्कुल निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, पिछले हफ्ते हमने पिस्टल की कार्रवाई करी है और आर्म्स एक्ट की कार्रवाई निरंतर हम करते रहते हैं और इस केस को भी जल्दी खोलेंगे। इनको जो सप्लाई कर रहे हैं वेपन्स, उन तक पुलिस पहुंचने का प्रयास क्यों नहीं कर पाती है? निरंतर हमारा प्रयास जारी है और कई मामलों में हमने इनके गैंग को बस्त भी किया है, इस केस में भी वैसे ही करें।